काम करना शुरू हो गया मेरा इंटरकॉम, देखेगा ठीक है। अब जब मैं इसे होल्ड करूँगा ठीक है, तो देखिए ये काम करना शुरू हो गया। इस तरह से आपके इंटरकॉम की वायरिंग होगी। अब बात कर लेते हैं हम अपनी कॉल्स वायरिंग कैसे करनी है और अपनी डोर की वायरिंग कैसे करनी है। अच्छा तो देखिए मैंने इन वायर्स को लगा दिए इस तरह से, देखिए ये सब जैकिंग आपकी इस तरह से लग जाएगी ठीक है। ये जो जैक छोड़े हैं मतलब ये यूज़ में नहीं होते ठीक है, ये आपका स्मोक का है ये भी यूज़ में होता है। बाकी ये कॉल्स की वायर है, ये डोर ओपन और क्लोज की वायर्स है, और ये आपकी जो एमरजेंसी बेल होती है उसकी वायर्स है। अब आपने करना क्या है कि देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम लिखी हुई दिखेगी, देखिए सपोज़ यहाँ से कर लेते हैं। आपने करना क्या है कि आपका जो चार नंबर है वो नॉर्मली ओपन पॉइंट है, मतलब जिसे नॉर्मली एन ओ पॉइंट कहते हैं, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है। और आपने लेना क्या है कि देखिए आपकी यहाँ प्लस पॉइंट आपका लास्ट वाला है, वन नंबर प्लस पॉइंट है और टू नंबर प्लस पॉइंट है ठीक है। तो आपने करना क्या है कि देखें यहाँ से, ये जो भाइयों ने कभी काम किया उनको पता होगा, पर मैं सब नए बंदों के लिए भी बता रहा हूँ कि देखो आपने करना क्या है कि यहाँ से एक ब्लू वायर लेनी है और एक येलो वायर ठीक है। देखिए यहाँ से लेनी है, ये देखें यहाँ से, ये देखें ये मैंने दो वायर्स ली हैं, ये वाले फर्स्ट ये वाला सेकंड ये वाला, ये दोनों वायर अलग कर दिए, ये आपके आ जाएंगे कॉल के वायर ठीक है। अब यहाँ पर आपने जो देने, क्योंकि ये नॉर्मली ओपन पॉइंट है, तो इस पर आपने दे देना अपना जो क्या उसको कहते हैं माइनस पॉइंट है ठीक है। यहाँ पर आपने माइनस पॉइंट देना है और यहाँ पर आपने प्लस पॉइंट देना है, क्योंकि आपका ये रेड प्लस का पॉइंट है, तो इसको भी साइड पे कर देते हैं, इसको भी साइड पे कर। तो ये रहा आपका कॉल, ये आपकी सीधी वायर जाएगी ऊपर कॉल में ठीक है। इनको आपने आपस में ऐसे ज्वाइंट कर देना है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपने इसको आपस में ज्वाइंट कर देना है ताकि ये कॉल में सीधी जाएगी, जो क्या आपके कंट्रोल में कॉल होती है उसमें लगेगी ठीक है। तो ये जो आपकी वायर आएगी ये आपके जो वहाँ पर कंट्रोल में माइनस पॉइंट होगा उसमें लगेगी ठीक है। जब ये मैं कंप्लीट करूँगा तो ये मैं वायर अपनी साइज़ के मुताबिक केबिन तक लेके जाऊँगा ठीक है, जो मेरे इंस्पेक्शन बॉक्स तक वायर पहुँच जाए। तो देखिए ये जो वायर्स है मेरी, ये कॉल की आ गई, क्योंकि मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ आपको समझ आ जाए, ये प्लस में आ गई। अब मैं एक डेमो भी करके इस बैटरी पे दिखाता हूँ, वैसे तो जब रेल में लगाऊँगा तो फिर आपको ज़्यादा जल्दी समझ आ रहा है कि, और ये डेमो दे रहा हूँ फिर बाद में आपको ज़्यादा कन्फर्म हो जाएगा कि मैंने किस तरह से काम को किया था ठीक है। तो चले मैं डेमो करके दिखाता हूँ उसके बाद आपको। तो देखें इनको मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये फर्स्ट आपकी वायर जो मतलब ये बेसिकली आपका जो कॉमन होता है ना कॉल का कॉमन, ये इसमें लगेगा कॉल कॉमन ठीक। और ये आपकी आ गई कॉल की वायर, ये सीधी नंबरिंग में लगेंगी, जो कॉल होती है ना कि मतलब जितने फ्लोर की लिफ्ट होगी उतने फ्लोर पर उस पर कॉल लिखे होते हैं, ये दोनों उसमें अटैचमेंट करके उसमें लगानी है। और ये आपकी प्लस में चली जाएगी कुछ इस तरह से, ये देखिए। अब मैं इसे पुश करूंगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो इसकी लाइट ब्लिंक करेगी, ये देखें ठीक है। जब आप कॉल लगाते हैं तो लाइट जल जाती है, वो इसी वजह से जलती है ठीक है। तो ये आपका कॉल कॉमन है, ये आपका कॉल कॉमन, और ये आपकी कॉल की वायर, और ये आपकी प्लस की वायर, समझ आप गए हैं ठीक है। तो ये आ गया, और इसी तरह ये कम्प्लीट वायरिंग करनी है ठीक है। आपने कम्प्लीट ये देखें, ये कम्प्लीट इसी तरह करनी है, सिर्फ आपके जो डोर ओपन और क्लोज़ होते हैं इनका कॉमन चेंज होता है, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि उसका कॉमन कहाँ होता है, वो किस तरह से लगती है। ये मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये कॉल कॉमन है ठीक है, ये आपकी कॉल की वायर है और ये आपकी प्लस की वायर है ठीक है। बहुत मरतबा बता दिया तो समझ आना चाहिए ठीक है। अब मैं पूरी कम्प्लीट वायरिंग करके आपको फिर समझाता हूँ कि देखिए किस तरह, और ये अब होगा क्या कि देखिए मैं अभी से बता देता हूँ आपको, सबके प्लस लेने हैं इसका भी, सिर्फ ओपन डोर ओपन और क्लोज को छोड़ देना है आपने, साइड पे कर देना है, इसको आपने बाद में करना है ठीक है। और ये देखें यहाँ से आपने सबके प्लस लेने हैं, टोटल प्लस लेने हैं, ये भी प्लस लेना है अपना स्मोक का भी, टोटल प्लस लेने हैं आपस में ज्वाइंट कर देने हैं। तो फिर यहाँ से एक वायर सीधा जाएगी आपके इंस्पेक्शन बॉक्स तक, वो होगी आपकी प्लस की वायर ठीक है, वो आपने जो इंस्पेक्शन बॉक्स में प्लस का पॉइंट होगा उस पर लगा देंगे। फिर ये आपका आ गया कॉमन ठीक है, ये कॉमन वो है जो कॉल कॉमन है, आपने यहाँ से सारे कॉमन अटैच करने हैं, ये देखिए फर्स्ट वाले कॉमन सारे कॉमन ऐसे जैसे पहले बताया
सब कंटिन्यू अटैच करके सीधा आपने कॉल कॉमन में ले जाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कॉल्स के वायर लेनी है कि जैसे मैंने ये दो वायरस निकाल दिए थे, ठीक है। तो ये मेरी जो है पहले फ्लोर की कॉल में चली जाएगी, दूसरे फ्लोर की कॉल में चली जाएगी, तीसरी, ऐसे ही सब लगा देनी है, समझ आप जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉग की सिर्फ आपने नेगेटिव पॉजिटिव देना है क्योंकि ये कंटिन्यू चलती है। फिर आ जाते हैं डोर पे, डोर की वायरिंग भी सेम थिंग एज इट इज़ वही होगी, पर यहाँ पर आपने स्टार्ट का जो इसका कॉमन है वो MC होता है, चेंज होता है, वो आपने कॉमन चेंज देना है इसको, सही है। प्लस को माइनस में लगा देना है आपने, क्योंकि प्लस आपका यहाँ से आएगा, इसका यहाँ पर बस उल्टा आपने चलना है, इसका प्लस आपने यहाँ से देना और माइनस वहाँ से, ठीक है। तो इसकी कॉल की सेम एज इट इज़ वही वायर कॉल में लग जाएगी, समझ गए। मतलब जो डोर ओपन का आपका वो टर्मिनल होगा उसमें लग जाएगी, डोर क्लोज के टर्मिनल में डोर क्लोज की लग जाएगी, ठीक है। सेम यही वायरिंग होगी। अब मैं पूरी कंप्लीट वायरिंग करके आपको बताता हूँ। अब फिर बच जाएगा आपका 7 सेगमेंट है, तो ये भी मैं आपको कंप्लीट इसकी वायरिंग बताऊँगा कि इसकी वायरिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो चले मैं अभी इसकी वायरिंग फिनिश करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तो देखिए ये मैंने सबके प्लस जो है आपस में ज्वाइंट कर दिए कुछ इस तरह से, माइनस भी सबके कुछ इस तरह से पॉइंट कर दिए, ठीक है, आपस में। ये देखिए ये माइनस प्लस जो है मैंने यहाँ पर आपस में ज्वाइंट कर दिए इनके साथ, ठीक है, ताकि ये जो ऊपर मेरा प्लस माइनस जाएगा वहीं से इसको प्लस माइनस मिलेगा, ठीक है। अब कर लेते हैं, ये देखिए प्लस माइनस हो गया। अब ये देखिए ये सबकी वायरें बाहर आ गई हैं कॉल की, ये भी आ गई, ये आपकी एक नंबर फ्लोर की है, ये दो नंबर फ्लोर की है, ये तीन नंबर फ्लोर की है, ये चार नंबर फ्लोर की है। अच्छा, तो ये आ गई आपकी बेल की वायरें दो, ये ऊपर सीधा बेल में जाएंगे, ठीक है। और ये भी इसका सर्किट बनता है, ये भी मैं जब इसे लगा रहा हूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि उसका सर्किट कैसे बनता है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं डोर ओपन क्लोज पे। मैं जो लिफ्ट लगा रहा हूँ वो मैनुअल है, तो उस पर आपका ये नहीं यूज़ होता, ये ऑटोमेटिक में यूज़ होता है। तो अभी जब हम लिफ्ट लगा रहे हैं वो मैनुअल है, तो इंशाल्लाह जब ऑटोमेटिक लगाएंगे तो उसकी भी कंप्लीट वायरिंग बताओ। इस टाइम मैं इन जैक को निकाल दूंगा, ठीक है, ये देखिए इस टाइम पे मैं निकाल दूंगा, क्योंकि ये मेरा, वैसे मैंने आपको समझा तो दिया था, वो इसीलिए समझाया था कि कल को ऑटो पे भी काम करो तो ऑटो पे इसको यूज़ करते हैं, मैनुअल पे यूज़ नहीं करते। मेरी जो लिफ्ट है वो मैनुअल डोर है, ऑटो डोर नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने निकाल दिए क्योंकि ये मैनुअल डोर में यूज़ नहीं होते। तो चले मैं अब इसको कंप्लीट फिनिश करके आपको बताता हूँ, उसके बाद बच जाएगा आपका 7 सेगमेंट, उसकी भी वायरिंग आपको बताता हूँ कि वो किस तरीके से करनी है। अच्छा, तो ये देखिए अब आपने करना क्या है, ये मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है, सब वायरों के यहाँ से मैंने प्लस पॉइंट लिया, प्लस के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। और ये मेरी वायर काफ़ी बड़े साइज़ की है, ये मेरी वायर सीधी जा रही है इंस्पेक्शन बॉक्स तक, ठीक है। अब इसकी पहचान रखने के लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मेरी प्लस की वायर है, तो मैं यहाँ पर एक मिनट प्लस का निशान लगा दूँगा, ठीक है। ये मेरी अब इंस्पेक्शन बॉक्स में प्लस के पॉइंट पर लगेगी, समझ गए आप। ऐसे ही मैं कॉल कॉमन की वायर लूँगा, सही है, ये देखें ये कॉल कॉमन की है, और इसके आगे ऐसे ही वायर लगाऊँगा जो मेरी इंस्पेक्शन बॉक्स तक जाए, वो सीधी मेरे कॉमन पॉइंट में लग जाएगी जो कॉल कॉमन होगा, और उसकी भी ऐसी चिट लगा के उसमें मैं कॉल कॉमन लिख दूंगा, समझ गए आप, ठीक है। अब आ गई आपकी ये क्या इसका नाम है कॉल्स की वायर, आप वो जैसे मैंने आपको समझाया था कि आप एक कॉल की वायर लेंगे, ये दो वायर इकट्ठी, इसके साथ ऐसे ही वायर ज्वाइंट करेंगे अपने इंस्पेक्शन बॉक्स के साइज तक, वायर को कट कर लेंगे और लिख देंगे 0 फ्लोर। फिर आप लेंगे 2 फ्लोर की वायर, उसको भी सेम थिंग एज इट इज ऐसे ही करके 1 फ्लोर लिख देंगे। फिर आप 2 फ्लोर की लेंगे तो 2 फ्लोर लिख देंगे, 3 फ्लोर की लेंगे तो 3 फ्लोर में लिख देंगे। तो जो आपका कंट्रोल होगा वो आप उसी में जाके वहीं पे लगा देंगे उस वायरों को, 1 2 3, मतलब वो जो कंट्रोल जितने फ्लोर का आपका कंट्रोल है, ठीक है। अब आ जाते हैं इस 7 सेगमेंट पे, ठीक है। तो इसकी वायरिंग मैं आपको अभी ये देखिए ये डिस्प्ले की वायरिंग है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, देखिए वहाँ पे प्लस दे दिया, ये अप डाउन का एरो दे दिया आपने, ये जो अप और डाउन है ये एरो है, और ये ABCD, और कुछ इस तरह से आपने बना लेनी है, ये देखें सही है, मैंने कुछ इस तरह से बना ली ताकि मुझे नोट हो मेरा ए कहाँ लगा है, बी कहाँ लगा है, कलरफुल वायर के हिसाब से, ठीक है। ये देख लें, ये है इसका,
ठीक है, ये लगा हुआ है। तो देखिए फाइनली जब इसकी वायरिंग फिनिश होगी तो कुछ इस तरह से दिखेगी। ठीक है, ये देखें, ये कंप्लीट अब फिनिश हो चुकी है। ठीक है, जैसा मैंने बोला था कि ये मैनुअल लिफ्ट है तो इसके ऑटोमेटिक डोर नहीं है, इसीलिए डोर की वायरिंग नहीं है, ये इमरजेंसी बेल्ट की वायरिंग। ठीक है, ये हो गई इसकी वायरिंग फिनिश। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।